I had one question, like when we die, the Atma takes another birth or something, what happens to the mind? स्वीटहार्ट, आत्मा नेवर टेक्स एनी अदर बर्थ. एक मेरी बात समझो, जैसे ये कमरा है, हवा से भरा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता, पर मैं कैसे बोलती हूँ कि हवा से भरा है, क्योंकि अगर नहीं होता आप प्राण ले पाते? विदाउट ऑक्सीजन नथिंग, नो सेल्स ऑफ योर बॉडी कैन ऑपरेट. मतलब आप यहाँ बैठे हो तो भी ऑक्सीजन है, अब वहां से उठकर पीछे चले जाओ तो वहां पर भी बेटा ऑक्सीजन है, तो सांस ले पा रहा है, ले पा रहा है, तो मतलब वहां पर भी ऑक्सीजन है, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है. ये कमरा इक्वली प्रोपोर्शनेटली ऑक्सीजन तत्व से, मतलब जीवन तत्व से भरा हुआ है. ऐसे ही आत्मा एकदम हर जगह सामान्य रूप से एकदम तटस्थ, एकदम फुलनेस में भरी पड़ी है. एक भी परसेंटेज ऑफ आत्मा इधर से उधर नहीं जाता, घटता या बढ़ता नहीं है. ये घटना और बढ़ती है, तो मेरी आत्मा बात कहां जाती है? आत्मा कहीं नहीं जाती. एक सेकंड, आत्मा जहां है वहीं विलीन हो जाती. विलीन भी शब्द बोलने के लिए बोला जाता है. जो जहां जाता है वो है आपकी वासनाएं. समझा? फिर से बोल, क्या जाता है, आता है वासनाएं. वासनाएं, शाबाश. अभी मेरी बात और गहराई से समझो. वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा. सी, अभी मेरा मन अगर आपके पास वास कर रहा है, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग टू यू ओवर द फोन एंड आई एम सेइंग, यू नो व्हाट, लेट्स मीट अप हियर इन दिस कैफे, एंड यू से या दीदी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, और बीच में मेरे प्राण छूट जाते हैं. अब मेरा मन कहाँ पे वास कर रहा था? मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे पास वास कर रहा था. तो ये शरीर छूटा, अब मेरा वो मन जहाँ आपके पास वास कर रहा था, वो अपने आप को कहाँ पाएगा? मेरे आजू बाजू, आपके आजू बाजू. Correct? So it will take a form of a human body which can access to you very clearly. क्योंकि मेरा मन उस टाइम जब प्राण जा रहे थे तो कहाँ वास कर रहा था? आपके पास वास कर रहा था. तो मन को अच्छी तरह से मालूम है कि उसका अगला कदम क्या है, कहाँ उसको जाना है. और अगर मेरा माइंड रेस्टलेस है, हाँ, वो हर जगह एक टाइम पर फैला हुआ है, खंडित है, डिस्ट्रैक्टेड है, पीसलेस है, कैन यू इमेजिन हमारी गति क्या होगी? Restless, can you imagine? वो मन एक जगह वास नहीं, लख जगह वास कर रहा है. और किस कारण, क्यों उस जगह वास कर रहा है, उसको भी ये बात का मालूम नहीं है. बेसिकली, टेक्निकली, फाउंडेशनली अनहैप्पी. Such a dangerous state of mind to be in. इसलिए बोला जागते रहो, सुजागी में रहो, मन को वश में लेकर आना ही मेरा पुरुषार्थ है. पुरुष के अर्थ में वो ही मन टिक सकता है जिसने पूर्णता को पा लिया है, जिसने सत का एहसास बी नथिंग में कर लिया है. बी नथिंग, डू नथिंग, मतलब वो जो आए है, जो इन चीजों को मीनिंग देती है, वो आय इस प्रकार खत्म हो गई कि हर समझ से भी वो छुट जाती है. क्या तो मैं समझूं, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है. समझना क्या है? लीन होना है. समझना किसको है? समझेगा भी तो वो मन ही जो मैं हूं नहीं. किस प्रकार समझना है, क्या समझना है, समझकर पाना क्या है? हाँ, ज्ञान द्वारा ये बात को समझना भी है कि समझ लायक कुछ है ही नहीं. ज्ञान द्वारा ये बात समझनी भी है कि कुछ भी समझने लायक है नहीं. इस प्रकार की गहराई का निरअहंकार बना ही पुरुष के अर्थ में टिकना है, क्योंकि पुरुष इज मिस्ट्री एंड आई एम ऑल्सो मिस्ट्री. क्योंकि वो आई का पना खत्म होने लगता है और फिर जो एहसास होता है वो बस इजनेस, इजनेस जो है सो है. इसलिए माय डार्लिंग, आत्मा कहीं नहीं जाती. अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू द सेम एग्जांपल. अभी तो ये ग्लास में पानी भरा है, अज्यूम ये खाली है या मटका है. हाँ, इफ आई डाई, लाइक इफ आई डाई, सो व्हाट हैपेंस टू माय आत्मा? ओके, यू आर सेइंग द माइंड टेक्स अनदर बर्थ वेयरएवर आई एम. वासना टेक्स अनदर बर्थ, माय डार्लिंग. वासना, वासना टेक्स अनदर बर्थ. एंड आत्मा तो जो शरीर में है, देखो जैसे घड़ा है, हाँ,
घड़े के अंदर भी हवा है, घड़े के बाहर भी हवा है। एक पत्थर मैंने मारा, वो घड़ा टूट गया, अंदर का हवा बाहर के हवा से लीन हो गया, मिक्स हो गया, कहीं आया क्या, कहीं गया क्या, नहीं, पर वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई, एक और किसी और वाली मिट्टी से फिर से वो घड़ा बनेगा। पर नाम का और रूप पे अटैचमेंट की बीमारी मेरे मन की है, और अगर उस मटके का अपना कोई मन ही नहीं तो कौन कहां जाएगा, आप बताओ। तो जब मन मेरा हर वासना से हट कर इस सत्य पे वास करने लग जाता है, किस सत्य पे वास करने लग जाता है, गुरु के ज्ञान द्वारा उसको हर सेंसलेस चीज सच में सेंसलेस लगने लगती है। He starts asking himself, what is the point? इस संसार का पॉइंट क्या है, इस कार्य का पॉइंट क्या है, इस दुख का पॉइंट क्या है, रिश्तों का पॉइंट क्या है, what is the point really? And when he gets the answers to this, जितना मेरा मन अहंकार से हटता जाता है, जितना वो भक्ति भाव में और विश्वास में आने लगता है, intelligent भक्ति, intelligent विश्वास में आने लगता है, उतना उसके अंदर में point की clarity भी आने लगती है। मतलब the point of everything is only to help my mind to mature in such a way that it understands कि सच क्या, झूठ क्या, जो दिखाई देता है उसमें इंपॉर्टेंस मैं डालता हूं, उसमें मीनिंग मैं डालता हूं, मेरे मन की वरी, मेरे मन के अंदर में अधपकापना, मेरे अंदर के अंधकार और अधपके ज्ञान के कारण है। मुझे हर बात की नॉलेज हो सकती है, पर अपने आप की सच की तो कौन मुझे नॉलेज देगा, अच्छा देगा भी तो उसमें टिकाएगा कैसे, अच्छा टिकाएगा तो उस पे सस्टेन कैसे कराएगा, हाउ द नर्व विच हर्ट्स मी द मोस्ट इज द वन दैट इज प्रेस्ड ऑल द टाइम, वही तो जहां पे मेरा मन वास करता है ना संतों, वो ही प्रकृति मेरे सामने मैनिफेस्ट होकर बार बार आकर चिढ़ाएगी। That level at which your mind is dwelling right now, जो आपका मन, अगर आप अपने life situation को सच समझते हो तो उतना ही वहीं पर manifest, वो छूटेगा नहीं आपके अंदर से। अंदर से झूठ को गुम करना पड़ता है बाहर से किसी भी प्रकार के relief के लिए। Just sense of attaching too much of meaning to the seen and visible world is the अज्ञान। समझ में आ रहे हो, रिपीट करो मैंने क्या बोला, अटैचिंग टू मच ऑफ सेंस एंड मीनिंग एंड अटैचमेंट टू वॉट एवर दैट इज सीन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो ही इग्नोरेंस है। आज मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं जहां जा रहा हूं मेरे को बिजनेस ही बिजनेस मिलता जा रहा है, हर क्लाइंट जो है कैश फ्लो में कन्वर्ट होता जा रहा है, हर जगह मेरी मान प्रतिष्ठा मान मर्यादा होती जा रही है, बच्चे भी मेरा कहना मान रहे हैं, तो घर वाले भी, तो सेवादारी भी, पूछो मत, इट इज रियली रॉकिंग फॉर मी। लेकिन अगर मैंने अपना दिमाग अपना मन ज्ञान की ओर मैं नहीं लेके गया, मैं गहराई से चेंजेबिलिटी की मीनिंग को मैंने नहीं समझा, तो फिर मैं ऐसा धक्का खाऊंगा। कैसे खाऊंगा, क्योंकि हर होनी चेंजेबल है, हर होनी चेंजेबल है। हम बोलेंगे कल तो इसने मेरी बात मानी थी, आज क्या हो गया, अरे he's breached the contract, अरे how can he do that, इसने तो मेरे को धोखा दिया। Nobody is obligated to not give you धोखा, कोई obligated नहीं है, धोखा is the norm in the outside world। और कितनी बार हमने तो एक पूरी वाणी ही उस पे चलाई थी कि जब तक बंदे को धोखा नहीं मिलता वो जागेगा भी नहीं, क्योंकि मन का ज्ञान मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, मन का ज्ञान मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, और मैं अपने जीवन की होनियों पर इतना डिपेंडेंट हो गया हूं, इतना उसको मैं सच समझता हूं कि मुझे हर पदार्थ इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, मेरे को स्थूल प्रकृति इंपॉर्टेंट लगती है, सूक्ष्म प्रकृति इंपॉर्टेंट लगती है, स्थूल प्रकृति इंपॉर्टेंट लगती है, मतलब things that are tangible, वो मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, किसी ने मेरे को वो चीज दे दी जो मैं चाहता हूं तो आहा, उससे बड़ा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। और सूक्ष्म प्रकृति कौन सी होती है, मानो मान,
सच अ टेरिबल. ये कीर्ति, ये मान, क्या बोला संत, कहां फंसता है? कामनी कंचन कीर्ति. कीर्ति शब्दों का मिठास. अगर हम लोग वहां पे अगर अपने मन को अटकने देते हैं ना, बहुत गंदा फंसेंगे, बहुत गंदा फंसेंगे, बहुत गंदा. हर स्लेवरी से, हर प्रकार की गुलामी से अपने मन को फटाक से जिप आउट करना ही है, हटाना ही है. कब हटेगा वो? जब मन सच को चखेगा. ओनली एंड ओनली तब, जब मन सच को चखेगा. भले आप इतना इतना करके आगे बढ़ो, पर सच्चाई से बढ़ो. नो आडंबर, नो प्रटेंशन. हाँ ठीक है ना भाई, गलती हो गई ना मेरे से, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा. हर सीख को अपने ज्ञान के साथ अटैच करना, टैली करना. हर मार को गुरु के ज्ञान से उससे अच्छाई निकालने की एप्टीट्यूड को क्रिएट करना. दैट्स व्हेन वी विल ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी. तब जाके मेरा पुण्य बनता है. बाकी हर कर्म में दोष है संतों, हर कर्म में दोष है, हर कर्म में दोष है. ऐसा कोई कर्म में मेरे को मन को डालना ही नहीं है, क्योंकि बंधन का कारण काम वो करेगा. हाँ, जो मालिक मुझसे कराए, जो भगवान मुझसे कराए, उसके लिए तो मैं तो हूं ही. वो तो मेरे शरीर को यूज करे, वो ही तो बना. निराकार ही खुद को खिलाता है. निराकार ही अपने दो हाथों को, अपने दो पैरों द्वारा सेवा करता है, कराता है. इसमें मैं कहाँ आ गई, इसमें मेरा क्या काम है? तो जब जब मन मेरे में जाता है, मेरे पन में जाता है, तब तक अपने आप को सुजागी में लेके आना है. आलस्य नॉट एग्रीएबल एट ऑल, नॉट एट ऑल. आलस्य मेरा दुश्मन है. कोई बात नहीं ना, अभी मैं आराम से बैठा हूं ना, ऐसे बैठा हूं ना, मैं देख लू ना, अभी तो क्या हो जाएगा. थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा ये मोबाइल में वो देख लिया, थोड़ा ये देख लिया, कोई बात नहीं ना. अभी जो प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं ना, अगर उसका यूज आपने ठीक से नहीं किया ना, कोई गारंटी नहीं है कि 10 मिनट बाद वो आपका बचेगा. याद रखना, द हार्ट इज बीटिंग, इट कैन स्टॉप एनी टाइम, इट कैन स्टॉप एनी टाइम. इफ यू हैव नॉट यूज्ड एवरी मोमेंट ऑफ योर्स प्रोडक्टिवली, तो उसका आपके साथ टिके रहने की कोई गारंटी नहीं है. आत्म प्रेम बहुत जरूरी है, अपने अंदर जगाना. एंड वॉट इज द पॉइंट को समझना. हाँ, खाली मेरा जन्म इसके उसके लिए, मोह के लिए, आसक्ति के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए और इधर उधर जाने आने के लिए नहीं बना है. थोड़ा सा वैल्यू करना है मुझको अपने शरीर का और अपनी आत्मा का. मुझको ही अपना वैल्यू करना है. जितना आपने अपना समय अपनी उन्नति के लिए लगाया, उतना माता प्रकृति अपना समय आपकी मान के लिए, मान रक्षा के लिए देगी. Have you understood this? This was a very good question. Do you Thank understand? Thank you, Didi. I understood very well. Thank you very much. Atma na kahin aati hai raja, na kahin jaati hai. Aur mera asli swaroop kya hai? Bolo. Atma. Hai na, wo full hai. Paripoornta se bhari hai. Haan, titist hai. Wo na aati hai, na jaati hai.